ये भोले नाथ की शादी होती है, आपने देखी थी? नहीं। हाँ, कहाँ जा रहे हैं हम? मंदिर बंदर बहुत ज्यादा अच्छा लगा, मजा आया आपको? हाँ जी। हैं सच में? क्या क्या देखा आपने अंदर? मैंने अंदर बहुत सारे भगवान देखे, मैंने महाराज जी देखे, शादी जी का वो भी, भोले बाबा की शादी का डमरू भी था वहाँ पे, है ना? हाँ जी, भोले नाथ जी की शादी का डमरू भी था। यहाँ पे भोले नाथ की शादी होती है, आपने देखी थी? नहीं। माता तो देख लिया है भूतनाथ जी के मंदिर में, तो हम जाएंगे घर, सबसे मिलेंगे और चले जाएंगे आगे। तो आपको मैं सुंदर नगर में, मैंने आपको बोला था ना वहाँ पे पार्क है, तो वो बच्चों को पार्क दिखाना है, तो वो पार्क घुमा के हम सीधा आगे निकलेंगे, तो आपको मैं मिलता हूँ बाग आधे रास्ते में। और गाइस बहुत सुंदर मंदिर है, इसको जरूर देखना आप लोग। तो बाय। गाइस अब आ गए हैं हम लोग माथा टेक के भूतनाथ मंदिर से, तो अभी बस बैठे ही आए ही हैं और जल्दबाजी में वहाँ पे ब्लॉक करा क्योंकि बहुत रश था। तो अब आ गए हैं और यहाँ पे काली माता का मंदिर है, टेंपल के घर पे बना हुआ, तो वहाँ माथा टेकेंगे। और देखो आप, ये देखो नन्या मिष्टी फ्रूट्स लेकर आई है माथा टेकने के लिए, और ये नन्या बैठी है जी, देखो ये डिम्पल बैठी है और ये मम्मा बैठी है और ये मैं बैठा हूँ। तो मैं आपको यहाँ का मंदिर का टूर दे देता हूँ, तब तक जब तक वो आते हैं। तो ये मंदिर देखो, ये है काली माता का मंदिर। मंदिर है ये। तो गाइस ये है मंदिर और हमने माथा टेक लिया है यहाँ पे भी, बस अब टेक रहे हैं माथा। अभी मैं आपको थोड़ा सा टूर दिया है और बस मैं माथा टेकूंगा और उसके बाद मिलता हूँ मैं आपको। और ये घर पे बनाया हुआ है मंदिर और नेचुरली पिंडी निकली थी यहाँ पे, तो तब से मंदिर बनाया हुआ है। तो ठीक है, मिलता हूँ आपको बाद में। तो गाइस अब आ गया हूँ गाड़ी लेने और पार्किंग की तरफ जा रहा हूँ, अब गाड़ी में लेता हूँ और फिर बच्चों को लेने जा रहा हूँ। गाइस गाड़ी में आ गए और बस अब रेडी होता हूँ और गाड़ी निकालता हूँ और बच्चों को उठाता हूँ, ठीक है? भाई शनिदेव मंदिर आ गए हैं, तो जहाँ मैं उस दिन पिछली बार माथा टेका था, मैं माथा टेकता हूँ, बाहर से टेकूंगा क्योंकि थोड़ा सा लेट हो जाएंगे। माथा तो टेक लिया, बस गाड़ी में बैठता हूँ, चलता हूँ। इसलिए अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, आगे सुंदरनगर भी रुकना है, काफ़ी जगह रुकेंगे, तो
काफ़ी काम करने हैं। अब आप ये देखो सामने इतनी सुंदर जगह बना हुआ है, हाईवे पे है यह मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर है। गाइस माथा टेक लिया और आ गया हूँ। आप देखा आपने कितना सुंदर मंदिर है, बहुत सुंदर है। पिछली बार मैंने आपको पूरा दिखा दिया था, आपके बाद तो बस बाहर से माथा टेका है। तो आगे मिलते हैं आपको एक नई चीज़, वही मंदिर जो आया था वही वहीं वहीं पर माथा टेकेंगे। जल्दी जल्दी पहुँचते हैं वहाँ पे, क्योंकि आगे भी निकलना है। बाय। तो गाइस उसी रास्ते पे आ गए हैं जिस बार पिछली बार मिला था मैं, तो आज वही रास्ता दोबारा आ गया है। बहुत अच्छा लगता है गाइस मेरे को सुंदरनगर, जब भी मैं आता हूँ मेरा बहुत दिल लगता है आप सुंदरनगर में। तो आओ गाइस आपको लेके चलता हूँ मैं मंदिर में, तो आपको घुमाता हूँ, आओ। तो लो गाइस आ गए वहीं पर जहाँ गए थे, और उस मंदिर में जहाँ मैंने बोला था बच्चों को लेकर आऊँगा, तो आपको दिखाता हूँ वही मंदिर। ये वही मंदिर हनुमान जी का जहाँ आए थे हम, और फ्रेंड्स चलो जिसके अंदर चलते हैं। जाओ जाओ माता। तो फ्रेंड्स अभी देखिए इतनी ज्यादा गहरी गुफा है, और फ्रेंड्स देखिए अंदर भी एक गहरी गुफा है, और हाँ। ये है हनुमान जी का मंदिर, और फ्रेंड्स हनुमान जी ऐसी एक ये देखो गाइस, और कितनी गहरी गुफा है, देखो नीचे कुछ दिख नहीं रहा है, और देखो अंदर वो दे रहा है, और डर लगता है। चलो हनुमान जी की गुफा है, माथा टेक लो। देखो कितना सुंदर बना हुआ है, बिल्कुल पहाड़ी के नीचे काट के बनाया हुआ है गुफा के अंदर, और देखो डर लगता है गाइस। देखो कितनी बड़ी गुफा है, अंदर तक बहुत बड़ी गुफा है, बहुत बड़ी गुफा है। ये बाबा जी का धूना है गाइस, देखो कितनी सारी फिशेस भाग जाती हैं, जैसी आवाज़ आती है इनको भाग जाती हैं। देखो कितनी सारी हैं, देखा देखो गाइस कितनी सारी फिशेस हैं इसके अंदर। चलो फिर अब चलते हैं, प्यारे लग रहे हैं शिव जी जी और भोले, ये नंदी जी तो हमेशा से सुंदर ही होते हैं, प्यारी हैं ये, है ना। ये देखो चकोत्रे मीन्स खट्टे, ये देखो कितने सारे लगे हुए, लदा पड़ा है पेड़, और बहुत सुंदर मंदिर है ये। ये देखो आप पूरा इसका एक बार पैरानोमिक व्यू लो, यहाँ से लेके कहाँ से देखो वो पार्क है, ये पूरा कम्प्लीटली पैरानोमिक व्यू है ये है, और ये यहाँ पे आकर छोटा सा पानी का ये जो स्रोत है झील जैसी है। पीछे रहो पीछे। ये देखो गाइस बिल्कुल साइड पे हैं, ये देखो फिशेज, ये देखो बड़ी बड़ी फिशेज है, बहुत बड़ी बड़ी फिशेज हैं ये देखो। नहीं चलो चलो, वो देखो 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 गाइस, वो देखो वो फिश, वो देखो देखो कितनी सारी हैं, छोटी 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 छोटी, शायद पता नहीं आपको दिख रही है नहीं दिख रही है, मुझे पता नहीं लग रहा है, बट देखो कितनी सारी हैं यहाँ पे, देखो बहुत बड़ी बड़ी फिशेज हैं गाइस, छोड़ी हुई हैं इन्होंने इसमें। गाइस अब हम मिलते हैं आपको गाड़ी में, अब यहाँ का टूर दे दिया हमने, अब आपको जल्दी से गाड़ी में मिलता हूँ और निकलते हैं सोलन के लिए। चलो मंदिर है वो देवता शुभदेव महर्षि मंदिर है ये सुंदरनगर में, देखो कितना, तो ये यहाँ जब भी आना होगा आप यहाँ आना, बहुत सुंदर मंदिर है गाइस। ओके मैं खाऊंगी मोमोज और
गोलगप्पा गोलगप्पे और मैं खाऊंगी, उसके बाद मैं घर जाऊंगी मिर्ची, उसके बाद मैं जब मैं अपने घर पहुंची ना सोलो, उसके बाद मैं उधर आइसक्रीम खाऊंगी। तो वो तो खाओगे, पर अभी क्या खाओगे आप? अभी तो मैं वैसे मोमोज और गोलगप्पे खाने वाली हूं। ठीक है गाइस, अब हम खाएंगे गोलगप्पे, और भैया को हमने बोल दिया है लगाने के लिए बन टिक्की, और वो खा रहे हैं वहाँ पे गोलगप्पे और मोमोज। तो मोमोज और बन टिक्की खाते मिलते हैं आपको। तो गाइस मैं तो बहुत भूखा हूँ, बहुत भूख लग रही थी, घर से कुछ खाते नहीं चले हैं, तो खाते हैं कुछ, फिर आपको मैं खाकर मिलता हूँ, लगवा देता हूँ। गाइस गोलगप्पे खा रहे हैं, गिरना जाना पीछे मिष्टी, इतना बड़ा तो मुँह भी नहीं जितना बड़ा गोलगप्पा है। नन्या ने भी गोलगप्पा खा लिया है, अंकिता खा रही है, मम्मा ने लिया। भाई बच्चे तो खा रहे हैं गोलगप्पे, मैंने ऑर्डर किए हुए हैं मोमोज, और मैं बस मोमोज आने वाले हैं, फिर मोमोज खाऊंगा, तो आप भी खाओ। लो गाइस हमारे आगे मोमोज देखो, हमने अंकिता तो टूट पड़ी है, यही सबसे ज़्यादा भुक्कड़ है बारे में, सेहत देख के आपको लगता ही होगा, पर मैं भी भुक्कड़ हूँ। देखो कैसे देख रही है, चलो मोमो खाते हैं, आप भी खा लो गाइस, गाइस पे पूछो खा लो गाइस, फ्रेंड्स आप भी खा लो, फ्रेंड्स आप भी खा लो, रितु को भी पूछ लो खाने को, रितु ले तू भी खा ले। गाइस बहुत टेस्टी बनी है, यमी है, सब हमारे बन टिक्की भी आ रही है, वो भी खाते हैं। देखो हमारे बन टिक्की भी आ गई है, लो बन टिक्की खाएंगे, मेरी डिंपल की मम्मी की, बच्चे भी खाएंगे ना बन टिक्की, खा के आपको फिर मिलते। गाइस अब मिष्टी आइसक्रीम खा रही है, मैंने बोल दिया कितनी बड़ी आइसक्रीम है, खत्म हो गई है। मिष्टी ने तो सबकी आइसक्रीम खा ली और अपनी सेव करके रखी है, मेरी भी टेस्ट कर ली मिष्टी ने, सबकी एक एक बाइट लेके टेस्ट कर ली है ना मिष्टी, अब खुद की खाएगी, खराब है बहुत ज्यादा, और मेरी आइसक्रीम ले ली मुझसे, मिष्टी भी खा ली, बहुत खराब है मिष्टी है ना, पहले सबका टेस्ट कर लेती है फिर अपना बाद में खाती है, वो भी किसी को शेयर नहीं करती। तो ये हाल है कि खाओ और वॉमिट करो, खाओ और वॉमिट करो, अभी इसको आइसक्रीम खिलाई और अब मिठू को आ गया वॉमिट है, देखो हाल उसका। ऐसे तो गाइस मिष्टी है हमारा खतरनाक बच्चा, ये देखो इधर को ये देखो मिष्टी का हालत देखो, अभी खाया है और क्या था वॉमिटिंग, इतनी आइसक्रीम खाई इसने सबकी। तो गाइस अब पहुंच गए हैं भराड़ी घाट, अब चाय पीने रुके हैं, तो देखो मिष्टी तो थक गई है, बहुत बुरा हाल हो गया ना, है ना मिष्टी, मिष्टी को आती है बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, तो अब हम रुके हैं, थोड़ा सा चाय पियेंगे फ्रेश होंगे, और बाकी सब गए हैं वॉशरूम फ्रेश होने, है तो जैसे आते हैं मैं आपको मैं मिलाता हूँ, फिर हम थोड़ी सी चाय पियेंगे। चाय आ गई थी और अब चाय हमने पी ली है, और अब डिम्पल और अनन्या पी रही हैं अभी चाय, बाकी हमने सब ने पी ली है, तो आपको मिलता हूँ रास्ते में। दीदी को ठंडी लग रही है, दीदी ने बुई की स्वेटर डाली है, दीदी को ठंड लग रही थी, बुई को गर्मी, और इन्होंने गाइस वॉमिटिंग कर करके इतना हमें तंग किया है ना, रुकते रुकाते हैं और वेट, तो अब हम बस खाना खाएंगे, और बहुत लेट हो गए हैं, हम बस खाना खा के अब घर जाएंगे, और फिर आपको घर पे मिलेंगे, अब हम खाते हैं खाना, ठीक है, तो मिलते हैं आपको खाना खाते हुए।